अकेले पढ़ रहे हैं। अच्छा आप पढ़ के हम लोग को क्या दोगे? बहुत कुछ दे देंगे जैसे हमको दिए हैं। हाँ तो वही तो कह रहे हैं डिसिप्लिन। अभी आईफोन दे देंगे। अरे पहले रखो, अभी बात कर रहे हैं ना, पहले बात करने दो। हम तुमसे ये बोले डिसिप्लिन स्टूडेंट के लिए सबसे जरूरी है, डिसिप्लिन, हेल्थ डिसिप्लिन तब स्टडी। तो हेल्थ तो तुम ठीक है, हेल्थ पे तुम काम कर लिए, डिसिप्लिन पे काम नहीं किए, स्टडी पे भी काम करो लेकिन दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिसिप्लिन, उस पर काम ही नहीं किया। झूठ नहीं बोलना है, जो बोलना है उसको कंप्लीट करना है, जो प्रॉमिस किए पूरा करना है। तो प्रॉमिस तो पूरा नहीं कर रहे हो, सुबह ही तुम हमको बोले ना कि हाँ हम पापा हम कर देंगे। हम ये भी बोले कि हम फोन करके पूछेंगे, तुमको ये भी डर नहीं हुआ कि पापा फोन करेंगे कहीं पता चल जाएगा तो? तुमको तो यही लगा पापा भूल जाएंगे, लेकिन हमको तो याद था। तुम ही ऑप्शन दिए पापा, हम दो ऑप्शन दिए, तुम बोले कि हाँ हम वहाँ नहीं उतरेंगे, हम बीच सड़क पे नहीं उतरेंगे, हम हॉस्टल जाएंगे। तो हॉस्टल जाने के लिए कहा, तुम बोले हो, हम नहीं बोले बेटा, मैंने एक बार भी नहीं बोला कि तुमको हॉस्टल जाना है कि नहीं, तुम खुद ही ऑप्ट किए। तो बताओ संडे को करवा दें एडमिशन या फिर तुम डिसिप्लिन में आओगे? आप फिर दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, 1 वीक के अंदर डिसिप्लिन में आ जाओ या फिर नेक्स्ट वीक में तुम चले जाओ हॉस्टल। बताओ क्या करना है, तुम्ही पे ऑप्शन छोड़ो, तुम ही को चूज करना है, हमको चूज नहीं करना। बताओ फाइनल, बताओ ना जल्दी बताओ। देखो इतने सारे लोग बैठे, हम लोग यही डिस्कस करने के लिए आए हैं। फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन डिसिप्लिन में आओगे, तो डिसिप्लिन में क्या क्या आता है तो बताओ ना, दो चार एग्जांपल्स तो दो। नहीं बोलना, समय पे उठना, समय पे तो चलो उठ जाते हो, समय पे अपना काम करना, अच्छे से रहना, बड़ों की बात मानना, यह है ना, पढ़ाई एकदम ऑन टाइम करना, अपना क्लीनिनेस पे, अपने साफ सफाई पे ध्यान देना, वो भी धीरे धीरे तुम सीख गए। लेकिन बड़ों की बात नहीं मानते और एक बार में कोई चीज सुनते नहीं, झूठ भी बोलने जा रहे हो।